करण ने निशांत को कहा आस्तीन का सांप, उमर को बच के रहने की दी सलाह। जी हाँ, बिग बॉस 15 के घर में रह रहे निशांत भट्ट बने घर वालों के नजरों में आस्तीन का सांप। करण ने दे डाली उमर को निशांत से बच के रहने की सलाह, पर सवाल उठता है क्यों? तो आइए बताते हैं। बीते रात बिग बॉस 15 के लाइव फीड में बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में निशांत ने इस तरह करण को डसा कि करण पानी मांगने के लायक भी नहीं रहे। जी हाँ, दरअसल टास्क में मिले जीत के कारण बिग बॉस ने निशांत को दिया एक स्पेशल पावर, जिसके हिसाब से निशांत को दो नॉन वीआईपी मेंबर को करना था इम्यून वीआईपी जोन का मेंबर बनाकर, और वीआईपी जोन में जो थे पहले से उनमें से निकालना था किन्हीं दो सदस्य को। अब जैसे ही आई फैसले की घड़ी, वैसे ही निशांत ने मारी फ्लिप। अपने दोस्त करण, जिन्हें वो बीरा कहते नहीं थकते, उन्हें वीआईपी जोन से किया बाहर। यहाँ तक कि करण के साथ तेजस्वी को दिखाया वीआईपी जोन के बाहर का रास्ता, और घर में बच्चे नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट में प्रतीक और सिम्बा को बनाया वीआईपी मेंबर। अब निशांत का ये अलग रूप देख जहां करण को लगा सदमा, तो वही घर वालों के मन में निशांत के लॉयल्टी को लेकर उठा सवाल, और इसी लॉयल्टी को तोड़ने पर करण ने उमर को दे डाली सलाह, कहा कि निशांत से दूर रहे उमर, क्योंकि निशांत आस्तीन के सांप हैं जो अपने लोगों को डसेंगे। इसी के साथ करण और उमर घर में निशांत को लेकर हंसते दिखे, तो वही परेशान भी। वेल, क्या सच में निशांत है आस्तीन का सांप? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बिग बॉस 15 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।